दोस्तों राम राम नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल है 415 के अंदर। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कपिल ग्रेवाल आपसे ले भरकर रखे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज और अपना देसी हाथ तड़का कॉमेडी का तड़का भी उसके अंदर लेके आ चुका हूँ। और अगर आप रहना चाहते हैं दुनिया के साथ अपडेट तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, इतना लाइक तो बनता ही है। और आइए चलते हैं आज की पहली टेक न्यूज की तरफ। और दोस्तों आज की पहली टेक न्यूज की शुरुआत करते हैं अपडेट्स के ऊपर। जो पोको की एक्स सीरीज है, एक्स के ऊपर चल रहा था ना ट्रेंड टिकटॉक पर भी और रील्स के ऊपर भी, एक्स धोखेबाज, तो वैसा ही कुछ है। मगर पोको की एक्स सीरीज धोखेबाज नहीं है। एक्स टू जो फोन है पोको का, एक्स टू उसके अंदर आज को MIUI 12.5 का अपडेट। यस, तो अगर आपको था इसका इंतजार तो वो घड़ी आ गई। और इस ये होगा एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है और बहुत सारी इंप्रूवमेंट है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो रुक जाइए, कुछ ही देर के लिए रुक जाइए, जब तक मैं वीडियो साइट से अपलोड करूँगा तब तक तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो जाइए अपडेट फ़ोन अपडेट्स में और जाके कर लीजिए अपडेट, और अपने फोन पोको एक्स टू को कर लीजिए अपडेट। और दोस्तों अब आते हैं अपनी फेवरेट कंपनी असली मेरा फ़ोन कंपनी की तरफ से। असली मेरा फ़ोन कंपनी कौन सी होगी यार, सोच रहे हो गया? रियलमी यार, मैं ये यूज करता हूँ फ़ोन, क्योंकि मेरे पास दो फ़ोन है, दोनों के दोनों रियलमी के हैं और असली मेरा फ़ोन भी वही है। यस, तो रियलमी कंपनी की तरफ से कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ निकल गई थी, उन्होंने जो एप्पल का मैक चार्जर है उसके साथ की थे इनके सुपर डार्ट चार्जर ने पार्टनरशिप, उनके बीच में कुछ ऐसे चल रहा था। तो उनका कुछ अभी एक नतीजा निकल के आया है मैक डार्ट चार्जर, और उसकी फर्स्ट लुक आ चुकी है बाहर, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये होगा कुछ इस प्रकार मैक डार्ट चार्जर। यार कुछ तो गड़बड़ है दया, समझ रहे हो? मैक डार्ट संबंध आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बाकी आगे के संबंध आगे देखेंगे। और अभी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और दोस्तों हमने आप सभी के लिए क्लब हाउस को करा दिया है ओपन। क्लब हाउस नहीं समझ में, कौन सा क्लब हाउस? क्लब हाउस एप्लीकेशन है यार, जो पहले इनवाइट बेस्ड के ऊपर थी और केवल जो इनवाइट करता था तभी आप उसके अंदर साइन अप कर सकते थे, बाकी लेजेंड बंदे यार कुछ भी कर सकते थे तब भी और अब भी, कहीं से भी कुछ भी कर सकते। तो अब फिलहाल जो क्लब हाउस है उन्होंने ऑफिशियली इसे ओपन कर दिया है, मतलब कि कोई भी इसके अंदर फ्रीली जाके साइन अप कर सकता है बिना कोई इन्वाइट के। और इन्होंने अपना जो ऐप आइकन है उसे भी चेंज कर दिया, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ इसका ऐप आइकन। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर आपने अभी तक नहीं चलाया क्लब हाउस को तो जाइए चला लीजिए, किसका इंतजार है, और कर लीजिए चैटिंग वैटिंग अगर होती हो तो। तो बस इतनी न्यूज़ थी क्लब हाउस के बारे में, और हमने आप ओपन तो करवाई दिया है। और दोस्तों हमारी है एक फ्लिपकार्ट कैमरे के बारे में न्यूज़। फ्लिपकार्ट कैमरा, यस, ये इनका कोई फिजिकल कैमरा नहीं होगा, ये इनका जो एप्लीकेशन है ना फ्लिपकार्ट का उसके अंदर ही होगा ऑप्शन। तो इन्होंने अभी उसके बारे में टीज कर दिया है और उसके बारे में न्यूज बता दिया। तो उसके अंदर वो कैमरा किस प्रकार से काम करेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक वर्चुअल टाइप के अंदर होगा, तो अगर आप किसी खोपचे के अंदर अगर आप अपने घर के लिए किसी भी सामान को खरीदना चाहते हैं, फर्नीचर को खरीदना चाहते हैं, और आपको नहीं पता कि वो उस जगह पर आएगा या नहीं आएगा, तो खोपचे को ऊपर आप कैमरा को ऐसे करना और वहाँ पर एक वर्चुअल टाइप का फर्नीचर आ जाएगा, आप देख सकेंगे कि वहाँ पर वो लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये भी आ चुका है दया, समझे ना? यस, वही है। तो ये कुछ आ चुका है, तो अगर आप लेना चाहते थे फर्नीचर तो कुछ नहीं, खरीद ले। और दोस्तों अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आपके होश उड़ा देगी, खतरनाक न्यूज़ है, क्योंकि सैमसंग एक प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला है। सैमसंग की एक प्रतिज्ञा थी कि अभी तक उसने अपने फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर 25-30 वाट से ऊपर का चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया था, यस, और ना ही चार्जर दिया था। तो वो सैमसंग उस प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला है, यस। जो इसका सैमसंग का S22 फ़ोन आने वाला है उसके अंदर होने वाली है 65 वाट की चार्जिंग स्पोर्ट। कुछ
कुछ समझ रहे हो? 65 वाट का चार्जर नहीं समझे? अबे यार आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, ये समझने की बात थी इसके अंदर। 65 वाट का चार्जर उसी के साथ आपको पैसे भी ज्यादा देने होंगे, तो ये थी समझने वाली बात। तो हम जैसे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इतने बड़े फोन के चक्कर में ही नहीं पड़ते। बाकी अगर आप लेना चाहते तो आपको मिलने वाला 65 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट, ये एक टीज निकल के आया है। तो कितनी लगी ये खतरनाक न्यूज तो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों रेडमी का एक खतरनाक पावरफुल कसुत्ता पावरफुल घना कसुत्ता पावरफुल फोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर हो चुका है लिस्ट। इसका नाम है रेडमी का 10 पावर। यस, और जो ये पावर है शब्द है, ये प्रोसेसर के लिए है या फिर बैटरी के लिए, ये अभी तक हमें भी नहीं पता है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार, पावर के नाम पे कहीं है, प्रोसेसर के नाम पे हम सोच रहे हैं पावर मतलब कि प्रोसेसर, और एकदम से धड़ाम से गिर दें 7000 mAh की बैटरी। ये लो पावर, पावर बैंक लो पावर बैंक। तो यार कुछ भी हो सकता है। फिर मन मन में आएगा, अरे चूना लगा दिया बे चूना, ये आएगी मन मन से आवाज। तो यार मन को संभाल लीजिए, क्या पता कितना पावरफुल होगा ये फोन। और दोस्तों अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज निकल कर ये आईकू की तरफ से। आखिर क्यों आईकू, आखिर क्यों? जो आईकू है, आईकू का 7 अभी हमें देखने को मिला था, उसकी स्टेबिलिटी यार माशाल्लाह कितनी खतरनाक थी। तो आप उसकी जो कूलिंग सिस्टम था वो अभी तक का सबसे बेस्ट कूलिंग सिस्टम बताया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो 888 का जो स्टेबिलिटी थी और जितना कूलिंग रख रहा था वो यार खतरनाक थी। तो उसी के साथ जो IQ8 आने वाला है, IQ8 उसके दो खतरनाक फीचर्स मतलब कि फ्यूचर वाले फीचर्स वॉच के बाहर मतलब कि ये होने वाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक तो होने वाला 160 वाट का चार्जर, जो अभी हमें इन्फिनिक्स के फ़ोन में देखने को मिला था ना, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, स्पोर्ट देखने को मिला, ये लीक्स हैं। और इसके अंदर एक पैरासोपिक लेंस देखने को मिलेगा। यार क्या कुछ देने की कोशिश कर रही है चाइनीज कंपनियां, और क्या कुछ हम ले सकते हैं। तो यार खतरनाक फोन होने वाला। और दोस्तों अब बात कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर, मोबाइल मार्केट के अंदर लीड करने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, वो Xiaomi कंपनी है। तो जो Xiaomi कंपनी है उन्होंने अभी अभी इनकी मी एनिवर्सरी फेस्टिवल सेल थी, 4 दिन चली थी 12 से 16 तक। तो उन्होंने एक अपने जो सेल है उसे बताया है, उन्होंने इन 4 दिन के अंदर, केवल 4 दिन के अंदर 1000 करोड़ की सेल की है। यार 4 दिन के अंदर 1000 करोड़ बहुत ज़्यादा सेल है यार। तो दूसरी कंपनी को भी सीखना चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं यार कम प्राइस के अंदर, जो लेवल के प्राइसिंग जो सामान देते हैं उस फोन के अंदर, तो यार क्या कहते हैं कंपनी को कह सकते हैं। बस मेरे मन के अंदर इतनी ही बातें हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। और दोस्तों अब थोड़ी सी बात करते हैं रेडमी के जो UI MIUI के बारे में, जो MIUI 13 है। वो MIUI 13 की अभी कुछ समय पहले फोटोज बाहर आई थी, और उसके जो पैनल्स हैं वो सब कुछ बाहर आ चुका था। तो उसी के साथ इसके दो फीचर्स आ चुके हैं बाहर, यस फीचर्स। और इस ये फीचर्स के नाम है मेमोरी फ्यूजन एंड लेयर लैंडरिंग सिस्टम, ये दो फीचर्स होने वाले हैं इसके अंदर। और किस तरह के होंगे, मे बी इससे शायद से हमें सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले, इसकी स्पीड बढ़ जाए। तो यार हमें इसकी सच में ज़रूरत है, सच में मेमोरी फ्यूजन से ऐसा लग रहा है कि मेमोरी के बारे में कुछ ना कुछ होगा, मतलब कि मेमोरी शायद से स्पीड बढ़ जाए। तो यार कुछ भी हो सकता है। तो हमें सच में ऐसी चीज़ें चाहिए हैं ताकि आपका UI हमें बढ़िया लगे, और बस यही एक कमी है यार MIUI की तरफ से। तो रिक्वेस्ट है MIUI के ऊपर काम करें और ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करें। बाकी हमें आपके फ़ोन के जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बस इतना ही कहना था। और दोस्तों अब चाइनीज कंपनियों को छोड़कर थोड़ी अपनी इंडिया की कंपनी की बात करते हैं, जो माइक्रोरोमैक्स है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दो फ़ोन निकाले, दोनों के दोनों बढ़िया फ़ोन थे। तो उसी के साथ जो लावा है, लावा कंपनी एक समय पर ज्वालामुखी की तरह थी, फट जाती थी और बहुत सारे फ़ोन आते थे, तो अब वो चुके ठुप 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 जमा ठुप। तो उसी के साथ लावा ने अभी एक नई न्यूज़ निकल गई है लावा की तरफ से। लावा 5G फ़ोन के ऊपर कर रहा है काम, 5G फ़ोन के ऊपर काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो 5G फ़ोन लावा की तरफ से हमें देखने को मिलने वाले हैं, और इसकी प्राइसिंग भी बाहर आ चुकी है। इसकी प्राइसिंग होने वाली है 17 से 20 हज़ार के बीच में। तो कौन सा प्रोसेसर देंगे, मेन मुद्दा है प्रोसेसर के ऊपर। अगर प्रोसेसर छोटा होगा मतलब कि डायमेंसिटी का 700 हुआ, तो यार इसमें तो हमें 14,000 के अंदर MIUI उसका पोको का M3 प्रो मिल जाता है यार 5G वर्जन। तो यार क्या करेंगे, तो इन्होंने बढ़िया प्रोसेसर देना होगा। तो यार लावा कितना लावा करता है, गर्मी फैलाता है, तो यार इसके बाद ही पता चलेगा।
और दोस्तों अब आते हैं अपने प्रिय गेम BGMI की तरफ से जो बैटल ग्राउंड से, उसके अंदर अभी कुछ समय से, कुछ 4-5 दिन से एक चीज़ चली हुई है कि सर्वर डाउन है, वो बिल्कुल सर्वर एकदम से डाउन हो जाता है। मतलब कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्पीड में है मगर वो आदमी सा वो भाजता हुआ दिखता है ना और एकदम से लोडिंग दिखा देता है, तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मेरे खुद को देखने को मिल रहा है यार। 2 दिन से दुखी हो चुका हूँ मैं खेल रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। तो यार क्राफ्टन वालों करो कुछ, सर्वर को करो ठीक यार, खेलने वालों के नाक में दम हो चुका है, तो करिए जरूर करिए और ठीक करिए। तो बस BGMI के बारे में इतनी न्यूज़ थी। और दोस्तों असली मेरा फ़ोन जो कंपनी है उनकी तरफ से एक तगड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो इनकी नंबर सीरीज़ है, मतलब कि Realme 8, Realme 7, इन सीरीज़ के अंदर हमें देखने को मिला था स्नैपड्रैगन का 720। यार बहुत दुखी हो गए थे यार इस प्रोसेसर से, क्योंकि हमें 2-3 सीरीज से यही देखने को मिल रहा था। तो इन्होंने जो अब Realme 9 सीरीज आएगी उसके अंदर बताया जा रहा है 778G प्रोसेसर होगा। भगवान सुन ली तूने, गरीबों की सुन लिया। तो ये होने वाला इसके अंदर प्रोसेसर, अगर आप खरीदना चाहते थे तो आप सभी को ये देखने मिलेगा। और ये 5G प्रोसेसर है, तो यार मौज कर देंगे मौज। और दोस्तों अगर आपको आई हमारी वीडियो पसंद तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोक दीजिए, शेयर महाकाल के नाम पर शेयर ठोक दीजिए, वो एक वीडियो नहीं थी महाकाल के नाम पर शेयर ठोक दीजिए, तो ठोक दीजिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। बस अभी लेते हैं आपसे अलविदा और कल आपको फिर से मिलेंगे और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ कॉमेडी के साथ। हमारा कॉमेडी तबका आपको पसंद आया कि नहीं कमेंट करके बताइए। बस अभी लेते हैं आपसे अलविदा।